भारत में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका से पहले और दूसरी लहर के बीच लड़ाई के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया है। 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। गुरुवार को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल करने की मंजूरी दे दी है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक भारत बायोटेक 525 बच्चों पर इसका ट्रायल करेगा। ट्रायल के दौरान टीके की पहली और दूसरी डोज का अंतराल 28 दिनों का होगा। आपको बता दें कि दुनिया के बहुत कम देशों में बच्चों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू हुई है। अमेरिका में गुरुवार से 12 साल से ऊपर वाले बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। अमेरिकी बच्चों को फाइजर कंपनी की ओर से बनाई गई वैक्सीन लगाई जा रही है। गौरतलब है कि भारत में तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर जल्द ही पीक पार करने वाली है, उसके बाद तीसरी लहर काल बनकर टूटेगी। तीसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे बच्चे। पिछले दिनों देश की शीर्ष अदालत ने भी सरकार से पूछा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए आपके पास इंतजाम क्या है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इसे लेकर तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचा चुकी है। रोजाना 3.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जबकि करीब 4,000 से ज्यादा मौत हो रही है। देश के कई हिस्सों में बेड ऑक्सीजन की किल्लत की शिकायतें हैं। वहीं मौजूदा भारतीय वेरियंट को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।